ई एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं पूनम राजपूत आई होप यू आल आर डूइंग गुड आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है अगेन होने वाली है मीशो हॉल एंड मीशो उनमें होने वाला है पार्टी वियर साड़ी हॉल जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेडी टू वियर साड़ी ऑर्गेजर साड़ी सारी ही वियर होंगी एंड बहुत ही प्यारा कलेक्शन होने वाला है वन बाई वन करके सभी की डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उससे पहले आपको बता दूँगी सभी के कोड जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको जो भी पसंद आता है आप वहाँ से कोड लेके मीशो पर डाल के ले सकते हो एंड अगर जल्दी कीजिएगा अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि सेकंड ऑप्शन मेरे पास भी नहीं होता हर साड़ी का तो ज़्यादातर साड़ियाँ आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं फिर आप लोग मेरे को बोलते हो कि ये कोर्ट से ओपन नहीं हो रही है तो उसका रीज़न यही होता है कि कोर्ट से ओपन अगर नहीं हो रही है तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है क्योंकि एक रिसेलिंग ऐप है जिस जिसपे बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है मीशो पर एंड जो है अगर आपने अभी तक मीशो ऐप डाउनलोड नहीं किया तो मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मीशो का जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो एंड आप जो फर्स्ट परचेज करोगे उस पर आपको हंड्रेड का ऑफ मिल जाएगा तो तो आप भी स्टार्ट करते हैं साड़ी हॉल उससे पहले अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इनमें से कोई भी प्रोडक्ट साड़ी आप रिसेलिंग प्राइस में लेना चाहते हो जो कि मैं रिसेल कर देती हूँ मीशो से कम प्राइस में घर बैठे आप ले सकते हो मीशो से काफ़ी कम प्राइस होता है तो आपको मेरी जो इंस्टाग्राम आई डी यहाँ पर मिल जाएगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डी एम कर सकते हो स्क्रीन शॉट लेना है जो भी आपको पसंद आता है देन आपको मुझे वहाँ पर डी एम करना है और मैं आपको जो भी प्रोसेस होगा आगे का बता दूंगी जिस तरह से भी आपको पेमेंट वगैरह करना होगा अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड देखते हैं अपनी फोन साड़ी जो है, फुल रेडी टू वीर साड़ी ब्लू कलर में बहुत ही प्यारी सी है पिक में तो बहुत प्यारी थी अभी देखते हैं कि ये किस तो साड़ी, साड़ी, तो साड़ी बहुत ही, है, साड़ी है।, बहुत ही प्यारी है, साड़ी है अगर आप हैवी में कुछ ढूंढ रहे हो ना मतलब लहंगे का लुक आ जाए आपको तो उस तरह की साड़ी है ये मतलब का लुक आएगा न वगैरह पहनने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी तो कुछ इस तरह की ये साड़ी है हैवी सीक्वेंस वर्क में है तो ये है बेल्ट वाली साड़ी आप देखो ये आपको हुक मिल जाएगा तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना होता सिर्फ हूक ला के यहाँ पे इसमें लगाना होता है इस तरह से जहाँ जो भी आपका साइज हो उसके अकॉर्डिंग और ऊपर की साइड जो मिलेगा ये हैवी सीक्वेंस वर्क है जो है नेट का कपड़ा और नेट पे इस तरह से हैवी सीक्वेंस वर्क किया गया है क्रॉस टाइप में और इस तरह से आप देखो एंड बीच नीचे की साइड जो है इस तरह से ऊपर की साइड ये इतना पोर्शन मिलेगा जो है नी तक का जो सीक्वेंस वर्क एंड नीचे की साइड इस तरह का प्लेन क्लॉथ मिलेगा प्लेन में भी हल्के से शाइन है एंड प्लेटेड टाइप में कुछ वो करा गया है तो दो लेयर में ये साड़ी है नीचे प्लेटेड टाइप में इस तरह का है और इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो लेंथ तो आप तो अपने अकॉर्डिंग कट करवा सकते हो इस तरह का मिलेगा आपको जिसको आप कट करवा के अपने अकॉर्डिंग फोल्ड करवा सकते हो इतना हो सकता है फुल लेंथ इनकी हमेशा फुल आती है क्योंकि अपनी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कोई भी अब लेंथ के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग कट करा के बनवा सकता है अंदर जो लगा हुआ है साटन का क्लॉथ लगा हुआ है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का तो साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है अगर आपको हैवी लुक में कुछ चाहिए तो बहुत ही प्यारी साड़ी है जो आपको लहंगे का लुक भी देगी अब इसके पल्लू पोर्सन की मैं बात करूँ तो इसका पल्लू पोर्सन बहुत डिफरेंट है एंड बहुत ही प्यारा है ये आप देखो इसका जो पल्लू पोर्शन आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा ये जो है ना मतलब लेस टाइप में कुछ बनाई गई है ये जो पल्लू पोर्शन कुछ इस तरह से बनाया गया है ये बॉर्डर लगाया गया है और इसमें प्लेट्स डाली गई हैं तो ये जो पल्लू पोर्सन आएगा इस तरह से बैठेगा मतलब यहाँ से खुला हुआ है एंड यहाँ से इसमें प्लेट्स जैसे एक झालर बना देते हैं ना मतलब किसी चीज़ पे लगाने के लिए आप देखो इस तरह से तो ये इसमें प्लेट्स डाली गई हैं और यहाँ पे ये बॉर्डर लगाया गया है बॉर्डर से प्लेट्स लगा के तो ये तो चौड़ा हो जाएगा क्योंकि खुला है और यहाँ पे ये बॉर्डर बनाया गया है तो ये ना ऐसे मतलब आपको लुक समझ में आएगा ट्राई ऑन में इस तरह का लुक आएगा जो बहुत प्यारा लगेगा बहुत डिफरेंट इस साड़ी को बनाएगा तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत प्यारी लगेगी ये ट्राई ऑन में आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह की लगने वाली है साड़ी तो ये कुछ इस तरह की है बट जिन लोगों को सर पे रखना है उनके लिए थोड़ी टफ हो सकती है क्योंकि सर पे रख के ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी बट आप रख सकते हो अगर रखना चाहते हो तो, तो इसी तरह की साड़ी है ओपन साइज का वो रहेगा ऐसे यह बंद नहीं कर सकते मतलब प्लेट्स इसकी इस तरह से नहीं बना सकते आपको इस तरह से ही रखनी पड़ेगी ये साड़ी तो ये इस तरह की साड़ी है बहुत प्यारी लग रही है मुझे पर्सनली काफ़ी प्यारी लगी ये साड़ी मतलब अगर आप ना कम प्राइस में कुछ डिफरेंट सा लुक चाहते हो अब देखो हाई क्वालिटी की चीज़ तो हमें कम प्राइस में मिलेगी नहीं बट मीडियम क्वालिटी की चीज़ हो लुक आपका अच्छा आ जाए एक या दो फंक्शन में हमने पहननी होती है चीज़ तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लगता है कि आपको लुक अच्छा आ जाए कोई इतने पास से छूके नहीं देखने वाला है क्या चीज़ है बट लुक दूर से अच्छा आता है पिक्स अच्छी आती हैं वो हम लोगों को चाहिए मेरी सोच ये है बाकी हो सकते हैं बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी चाहिए होगी बट इसकी मतलब क्वालिटी ठीक है बट लुक वाइज बहुत प्यारी साड़ी है तो इसके ब्लाउज़ की मैं बात करूँ तो ब्लाउज़ के लिए इसमें दो पीस दिए हुए हैं जो एक नीचे वाला जो साड़ी में नीचे के साइड लगा हुआ है ना प्लेटेड वाला पीस वो दिया हुआ है एंड एक दिया हुआ है ऊपर जो सीक्वेंस वर्क में जाल टाइप का जो है ना सीक्वेंस वर्क का वर्क वो तो ये बहुत थोड़ा सा क्लॉथ दिया हुआ है इतना आप देख सकते हो सिर्फ इतना है ये मैं आपको दिखाऊं मतलब इतना पोर्शन ये हैंड पे लगा के मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इतना सा पोर्शन दिया हुआ है और ये लंबी पट्टी दी हुई है इस तरह की जो आपकी आई थिंक स्लीव्स बन जाएंगी या फ्रंट पोर्शन आप बनवा सकते हो इतना पोर्शन है कि फ्रंट पोर्शन आपका निकल जाएगा तो ये नेट का पीस दिया हुआ है और ये दिया हुआ है इसका इतना बड़ा ये 80 सेंटीमीटर का दिया हुआ है जो कि आपको ये प्लेटेड वाला पोर्शन दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर का ये है और ये थोड़ा सा क्लॉथ दिया हुआ है जिससे आप फ्रंट वगैरह बनवा सकते हो या स्लीव्स वगैरह बनवा सकते हो छोटी छोटी तो ये है इसका ब्लाउज साड़ी अच्छी है लुक वाइज बहुत प्यारी लगने वाली है ट्राई ऑन में आपको क्लियर हो जाएगा बहुत मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी बाकी देखो सबकी चॉइस अलग अलग होती है बाकी साड़ी अच्छी है अगर आप लेना चाहते हो तो कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नेक्स्ट साड़ी हमारी ऑर्गेन्जा में है बहुत ही प्यारी लग रही थी पैकेजिंग वगैरह बहुत अच्छी है आप देखो बहुत अच्छे से पैकेजिंग की हुई है तो आप भी देखेंगे कि ये किस तरह की रिसीव हुई है एंड क्वालिटी किस तरह की है इसकी तो ये जो साड़ी है कुछ इस तरह की है ये ग्रीन कलर जो होता है ना डार्क ग्रीन कलर का ही कलर उस तरह की साड़ी है बट लुक वाइज काफ़ी अच्छी लग रही है ऑर्गेंजा में है ये साड़ी और ऑर्गेंजा में मीडियम क्वालिटी का ऑर्गेंजा है बहुत हैवी नहीं बहुत, है। बहुत बेकार वाला नहीं मीडियम क्वालिटी का ऑर्गेंजा है बट लुक वाइज ये साड़ी बहुत अच्छी लगने वाली है इसके कलर ऑप्शन बहुत कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत प्यारा है आप देखो इस पे इस तरह के बीच बीच में फ्लावर्स हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं डार्क ग्रीन पे लाइट कलर के हैं ना और पूरी ही साड़ी पे आपको इस तरह का ज़री वर्क का बॉर्डर मिल जाएगा आप देखो मतलब पार्टी वगैरह के लिए भी बहुत ही प्यारी है औरगेंजा में पार्टी वियर साड़ी अगर आपको कुछ चाहिए तो बहुत ही प्यारी साड़ी है एंड इसका ब्लाउज भी हैवी वर्क में अभी अब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पूरी साड़ी पर आपको इस तरह का बॉर्डर मिलेगा बॉर्डर पर जो जरी वर्क है काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ है सीक्वेंस वर्क भी है उसमें पूरी साड़ी पर आपको ये बॉर्डर मिलेगा एंड ये पूरी साड़ी इस तरह से प्रिंटेड औरगेंजा में मिलेगी काफ़ी अच्छी लग रही है पूरी ओवरऑल साड़ी इसी तरह की है इस पर कुछ और नहीं है बट काफी अच्छी है इसमें स्मेल थोड़ी अजीब सी आ रही है मुझे तो इस तरह की साड़ी है पूरी साड़ी ओवरऑल आपको इसी तरह की मिल जाएंगी एंड इसका जो ब्लाउज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बहुत हैवी वर्क में है बहुत ही ज़्यादा जो पिक में था उसी तरह का है पिक में मैंने देखा था इसीलिए मैंने ये ऑर्डर करी थी क्योंकि पार्टी फंक्शन के लिए और में अगर आप इस तरह की साड़ी पहनते हो तो अच्छी लगती है इस तरह का ब्लाउज़ का वर्क है आप देखो मतलब हैवी जरी वर्क है इस तरह का ब्लाउज़ का क्लॉथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है मीडियम क्वालिटी का है और इस तरह का आप देखो ब्लाउज़ का पीस है ये जो है फ्रंट पोर्शन है आई थिंक और ये आपको मिल जाएगा फ्रंट पोर्सन पे पूरा हैवी वर्क मिल जाएगा और बैक के लिए आई थिंक प्लेन पोर्सन दिया हुआ है बट इसमें ब्लैक बैक निकलेगा नहीं आप देखो कितना तो छोटा सा पोर्सन दिया हुआ है इसमें कैसे निकलेगा बैक बट इधर से हाँ सॉरी बैक आपका इधर से निकल जाएगा फ्रंट के साइड से निकल जाएगा बट बहुत ज़्यादा क्लॉथ नहीं दिया हुआ ओके ओके क्लॉथ दिया हुआ है इसमें थोड़ा तो सा और, और ज़्यादा देना चाहिए था क्लॉथ मुझे लगता है बट ये है कि स्लीव्स वगैरह से जो बचेगा ना वो पोर्सन बन जाएगा बैक आपका यहाँ से निकालना पड़ेगा एंड स्लीव्स की मैं बात करूँ तो स्लीव्स भी हैवी वर्क में दी हुई है ये देखो आप ये इस एक स्लीव्स है एंड ये एक स्लीव्स का कपड़ा दिया हुआ है इस पर भी हैवी वर्क है दोनों स्लीव्स पे तो जो यहाँ से कपड़ा बचेगा वो आप बैक पे लगवा सकते हो कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा ये दिया हुआ है जो आप बैक पे लगवा सकते हो मतलब इजीली आपका बन जाएगा ब्लाउज़ इतना है कि कम नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें तीन लेयर में ब्लाउज़ का पीस दिया हुआ है मुझे पहले लग रहा था दो लेयर में ही है पर लेकिन काफ़ी सारा है तो इजीली बन जाएगा आपका ब्लाउज़ हैवी वर्क में आप देखो जब ब्लाउज के साथ ये साड़ी पहनी जाएगी तो बहुत प्यारी लगेगी अच्छी साड़ी है अगर आप ऑर्गेंजा में कुछ ढूंढ रहे हो एंड लुक वाइज अच्छी लगे तो अच्छी साड़ी है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट साड़ी है हमारी ये आप देखो पिक में बहुत प्यारी लग रही थी फ्लार प्रिंट में है और औरिजिनल पिक आपको यहाँ पर मिल जाएगी और आप देखते हैं कि किस तरह की रिसीव हुई है ये जो साड़ी है वो है कुछ इस तरह की ऊपर से ये साटन भी नहीं है कुछ अलग ही क्लॉथ मेरे को लग रहा है मुझे नहीं पता इसका क्लॉथ मैं चेक करके आप लोगों को बताऊंगी ऊपर से ब्लैक कलर की प्लेन मिलेगी एंड नीचे इस तरह का फ्लावर प्रिंट मिलेगा ये इस तरह का एंड नीचे का पोर्सन मैं बताऊँ तो इस तरह से ये जो फ्लावर प्रिंट है इनको पूरे में देना चाहिए था लेकिन इन्होंने नहीं दिया है नीचे कुछ इस तरह से डिस छोड़ा हुआ है ब्लैक कलर तो बीच बीच में इस तरह से ये मैं आपको दिखाऊँ इस तरह से इसकी डिजाइनिंग है नीचे इतना ब्लैक है ऊपर बीच फिर ये फ्लावर प्रिंट है और ऊपर फिर ब्लैक है एंड क्लॉथ इसका कुछ अलग सा ही मुझे लग रहा है पूरी ही ओवरऑल साड़ी आपको इसी तरह की मिलेगी बट लुक वाइज अच्छी है क्योंकि इसका जो है ना प्रिंट वगैरह ये अच्छा लग रहा है और पल्लू की इसके मैं बात करूँ पूरी साड़ी इसी तरह की है और पल्लू पोर्सन पर ये फ्लार इस तरह से दिए हुए हैं ये इस तरह से तो उतनी अच्छी साड़ी नहीं लग रही है जितनी पिक में लग रही थी बट ओके ओके साड़ी है मतलब लुक वाइज अच्छी है बाकी क्लॉथ भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है इसका और उतनी प्यारी नहीं है थोड़ा रफ़ सा क्लॉथ लग रहा है और ब्लाउज़ की अगर मैं बात करूँ तो ब्लाउज़ पीस इस तरह का है ये इसी में अटैच है एंड जिस तरह का पल्लू है उस तरह का ब्लाउज़ इसका है बट मैं अगर बात करूँ पर्सनली मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है ये साड़ी आपको अच्छी लगी है तो आप ट्राई कर सकते हो बट मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि जो पिक में बहुत अच्छी लग रही थी इसमें थोड़ा रफ सा क्लॉथ है एंड शाइन भी नहीं है डल डल सा लग रहा है और उतनी अच्छी शाइन फिनिशिंग वगैरह कुछ भी मुझे मतलब नहीं लग रहा है ओके ओके साड़ी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो बट मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो नेक्स्ट साड़ी है हमारी ये जो है बहुत ही कम प्राइस में साड़ी है बट बहुत अच्छी मुझे लगी ये है इसका ब्लाउज एंड ये है इसकी साड़ी जो है बहुत कम प्राइस में लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही थी एंड रिसीव होने के बाद भी बहुत अच्छी साड़ी लगी है बहुत सिंपल सोवर में है आप ये देखो ये साड़ी यह कलर कॉम्बिनेशन देखो आप कितना प्यारा है बहुत ही प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन है ये ब्लाउज़ आप देखो ये कलर एंड ये देखो साड़ी का कलर बहुत ही प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन है ये वगैरह ये आप साड़ी हल्दी वगैरह में भी पहन सकते हो तो बहुत ही अच्छी साड़ी लगी अभी मैं साड़ी की बात करती आपको तो साड़ी इस तरह की है एंड इस पर जो है ना गोल्डन कलर का प्रिंट है तो प्रिंट का मुझे नहीं पता कि ये जाएगा या नहीं जाएगा क्योंकि कम प्राइस की साड़ी है बट लुक वाइज साड़ी की अगर मैं बात करूं मुझे बहुत अच्छी लगी पूरी साड़ी में इस तरह से लहर लहर टाइप में ना गोल्डन प्रिंट हो रखा है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है पूरी ही साड़ी इसी तरह की है लुक बहुत अच्छा आने वाला है इस साड़ी का कुछ भी नहीं है साड़ी पर बहुत सिंपल सोवर है पूरी साड़ी पर इस तरह की गोल्डन कलर की ये पट्टियाँ जा रही हैं अगर इसका प्रिंट नहीं जाता तो ये साड़ी बहुत ही प्यारी लगेगी बट एक दो वॉश में तो मुझे नहीं लगता जाएगा क्योंकि ऐसे छूने से भी पता चल जाता है इस तरह से करने पर इसका प्रिंट कहीं भी नहीं जा रहा है बट साड़ी लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही है एंड ये है इसका ब्लाउज पीस पूरी ओवरऑल साड़ी इसी तरह की है क्लॉथ सिल्क टाइप में इसका कुछ है बट काफ़ी अच्छा क्लॉथ है एंड ब्लाउज़ पीस की अगर मैं बात करूँ तो ब्लाउज पीस है इसका ये एटी सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है एंड ब्लाउज पीस पर जो है पूरे पे गोल्डन प्रिंट हो रखा है इस पे भी और लीफ लीफ टाइप जो है ना उस तरह की लीव्स बनी हुई है बहुत अच्छी लग रही है और प्रिंट अगर नहीं जाता तो बहुत प्यारा एंड ब्लाउज़ का क्लॉथ 80 सेंटीमीटर का दिया हुआ है अच्छे से आपका ब्लाउज पीस बन जाएगा आप देखो एंड जब इसका ब्लाउज बन जाएगा तब ये साड़ी बहुत अच्छी लगी कि प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है अगर आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो सिर्फ इसका प्रिंट का डाउट है बाकी लुक वाइज साड़ी बहुत प्यारी लग रही है बहुत अच्छी लग रही है तो एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आपको पसंद आती है इसका कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो ये था आज का हमारा हॉल आई होप ये हॉल आप लोगों को पसंद आया होगा इसमें से क्या आपको पसंद आया है किस तरह का लगा है हॉल साड़ियाँ किस तरह की लगी है कौन सी साड़ी अच्छी लगी है किस तरह की लगी है आपको मेरी चॉइस प्लीज़ प्लीज, कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा क्योंकि आपके कॉमेंट से ही मैं आपके टच में रहती हूँ मुझे लगता है कि आपके कॉमेंट आते हैं तो मैं आपसे बात ही कर रही हूँ एंड आप जो भी कहना चाहते हो मेरे से कॉमेंट बॉक्स में कह सकते हो एंड आप लोगों को पता है मैं चाहे लेट करूँ या फिर थोड़ा मुझे लेट हो सकता है कमेंट का कर रिप्लाई करने में बट तो मैं ज़रूर करती हूँ कोशिश करती हूँ कि मैं हंड्रेड परसेंट हर कमेंट का कर रिप्लाई करूँ एंड आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं हंड्रेड परसेंट कॉमेंट का कर रिप्लाई करती हूँ भले ही मुझे रात के बारह बजे करना पड़े बट तो मैं कर देती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है मेरा घर के काम ये सब सारा कुछ करने के बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ तो कैसा लगा है प्लीज़ 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 कमेंट प्लीज, बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सभी के कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी मिलूंगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए सी यू टेक केयर बाय